महासभा टेंपल इन ब्रैम्पटन कनाडा वाज अटैक्ड। कनाडा में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और ट्रूडो की सरकार भारत विरोधियों को पनाह दे रखी है। ब्रैम्पटन की घटना ने कैसे ट्रूडो की पोल खोली है? पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा है। हमें मारा, बहुत मारा। दो तीन पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें लाठी से मारा। पुलिस वालों ने एक तरफ खालिस्तानी उन्हें मारते हैं, दूसरी कनाडा की पुलिस उन्हें मारती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो वीडियो देखा उसमें साफ तौर पर पुलिस खासतौर पर भारतीय समुदाय के साथ धक्का मुक्की उन्हें मारते हुए नजर आ रही है। खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं अभी कनाडा की पुलिस में भी काम करते हैं, जिस चीज के बारे में हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं। अब तो बड़ा क्लियरली प्रूफ भी निकलता है। कैनेडियंस जो हैं वो लोग शायद इस सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे जिस सेंसिटिविटी से इंडिया बात कर रहा है। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर पर धावा बोला, श्रद्धालुओं की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस पूरी घटना ने जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं। बहुत गंदे से, इट्स बायस पुलिस्ट एवर इन कनाडा आई हैव सीन इन माय लाइफ। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं वहां पर, उनकी जो रियलिटी है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रही है। जो मामला खराब हो रहे हैं इंडिया और कनाडा के बारे में बीच में, इस पे क्या क्यों चीजें ठीक नहीं हो पा रही? अब फॉर एग्जांपल ये कैनेडियन पुलिस जो है उसकी तो सारी एनर्जी इस चीज पर लग गई कि उधर जी सिख उधर वो कहते हैं जी के खालिस्तानी ये कर रहे हैं, इंडियन हुकूमत ये कर रही है, मंदिर में ये होने लगा था। मतलब क्वेश्चन ये है कि ये क्या चीज हुई? आप कब तक जो है वो ऐसे करते रहे? मुझे तो कोई आई कांट अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। मैं तो स्टोरी को नहीं डाइजेस्ट कर पाया कि दुनिया में कोई आपकी पुलिस जो है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे सिख बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनमें से जारी बात है अ सेक्शन ऑफ देम मे बी खालिस्तानी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको जिसकी वजह से तो इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ खराब हो गए हैं कनाडा के साथ। कनाडा कहता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो चीज है ये थोड़ा सा इसको केयरफुली रीड करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अब इंडियन हाई कमीशन ने कैंप लगाया है, हिंदू मंदिर में कैंप लगाया, खालिस्तानी वो वहां पे आ गए हैं एंड देन सिचुएशन खराब हो गई, ठीक है। सो इंडियन जो हाई कमीशन का जो कैंप है वो मंदिर के अंदर लगना, मे बी वो जारी बात है लोगों को बताना होता है, चीजें शेयर करनी होती हैं, जो भी कौंसलर अफेयर्स के रिलेटेड जो कि इंडियंस वहां पे मौजूद हैं उनके लिए।